शॉप पे जाती हूँ, बहुत ही फेस बनानी होती है हमने। कहूंगी कि ये सब कुछ फिंगर से क्यों लगा रही है, ब्रश से क्यों नहीं लगा रही, इसे भी जरूर लगाया। यहाँ तक नहीं लगाना, आधे पे लगाओ बहुत। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से, और कुछ बहुत प्यारा शेड है गाइस, बिल्कुल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है बेबी फैमिली व्लॉग्स। सो गाइस, आज का व्लॉग, आज का वीडियो हम कह सकते हैं बहुत ही मजेदार होने वाला है। सो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि काफी लोगों ने ना मुझे व्हाट्सएप भी किया था, प्लस मुझे कमेंट भी किया था और पर्सनली बोला था आकर शॉप पे कि दी प्लीज आप अपना कोई ऐसा व्लॉग बनाओ जिसमें हमें पता लगे कि आप जब डेली शॉप पर आते हो तो क्या मेकअप रूटीन है आपका डेली का। सो मेरा जो मेकअप रूटीन है डेली का, जो मैं करके शॉप पर जाती हूँ, वो बहुत सिंपल सा है। कोई बहुत ज्यादा हेवी मेकअप मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि पार्टी वेयर मेकअप में टाइम लगता है और जब जाना होता है फंक्शंस में तब एक मेकअप अलग होता है। बट जो मैं कैजुअली, जो मैं डेली में शॉप पर जाती हूँ, बहुत ही सिंपल सा मेकअप करती हूँ। तो आज के इस व्लॉग में मैं वही बताने वाली हूँ और आपको करके भी दिखाने वाली हूँ। सो आई होप आपको थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा बिफोर आफ्टर, बट वो कैसे कैसे मैंने किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। गाइस, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है मैं करती हूँ, ये आयुर्वेद का मेरे पास क्लिंजिंग मिल्क, वो मैं, अगर मेरे पास फेशियल टिश्यू वाइप्स हो तो मैं वाइप्स भी क्लीन कर लेती हूँ, या आप सिंपल भी वॉश कर सकते हो। मैं सबसे पहले, जब मेरे पास रहता है तो मेरे को आदत पड़ी हुई है, मैं सबसे पहले जो है अपना जो फेस है पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत जो भी डर्ट होती है वो निकल जाती है, बहुत क्विक मेकअप होगा और बहुत इजी से स्टेप्स हैं। आई होप अगर मेरी इस वीडियो से किसी को हेल्प मिलती है तो वो भी इस तरीके का मेकअप कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। सो यस, मेरा हो गया है अब क्लिंजिंग मिल्क से फेस क्लीन। नेक्स्ट स्टेप जो मेरा रहता है वो है, जिसके बगैर मैं बिल्कुल नहीं रहती हूँ, मेरा फेवरेट निविया का बॉडी लोशन एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए। ये मेरा फेवरेट है गाइस, ये आप देखोगे मेरे पास एक्स्ट्रा न्यू बॉटल अभी रखा है, मतलब ये मेरा खत्म होने वाला है, ये मैं खत्म होने नहीं देती, खत्म होने से पहले ले आती हूँ। सर्दी हो गर्मी, मुझे चाहिए चाहिए, बिकॉज मेरे को ये सोते टाइम भी लगाना होता है और सुबह नहाने के बाद भी मुझे लगाना होता है, तो ये मेरे लिए मस्ट है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, दैट्स व्हाई। सो ये मेरा फेवरेट लोशन है। गाइस, अब जब भी अपना मेकअप करो अपने नेक पे भी जरूर करो, नहीं तो फिर फेस अलग से ही कुछ चमकेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? ठीक है जी, इट्स डन। नेक्स्ट स्टेप जो मेरा रहता है, जो कि मैंने अपने बैग में, मैं क्या क्या रखती हूँ, व्हाट्स इन माय बैग, जिसने वो व्लॉग मेरा नहीं देखा वो जाके देखो मेरा वो वीडियो जिसमें मैंने बताया था व्हाट इज इन माय बैग वाला। सो उसमें मैंने दिखाया था कि सनस्क्रीन तो मैं यूज करती हूँ, अलग अलग कंपनियों की मेरे पास रहती है, तो अभी के लिए जो मेरी शॉप पे मैं सेल करती हूँ वो नेचर्स का है, ये भी अच्छा है, नॉन स्टिकी है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा नहीं लेना, जस्ट इस तरीके से लेके सनस्क्रीन लगा लो, ये तो मस्ट है, ठीक है जी। सो इट्स डन, सनस्क्रीन हो गया हमारा डन, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो मेरा रहता है, इसके बाद सीरम मैं लगाती हूँ, बट डे एंड नाइट का मेरा अलग है, बिफोर मेकअप मुझे इतनी जरूरत लगती नहीं सीरम की। सो मैं अपने पास रखती हूँ बॉबी ब्राउन का प्राइमर, ये भी मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स के हैं, बट ये मेरा इस टाइम करंटली फेवरेट है, बहुत बहुत अच्छा है गाइस, ये बहुत अच्छा, और इसको ना बहुत कम लगाना होता है, जो प्राइमर होता है वो बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बेस बनानी होती है हमने। सो बहुत जल्दी हो जाता है मेरा ये मेकअप, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सो इट्स डन, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप है मेरा प्राइमर के बाद, इसको 2 मिनट रखना है, उसके बाद हम लगाएंगे अपना जो भी हमने लगाना है। गाइस, मैं बता दूं कि मेरे पास जो मेरा फेवरेट है HD फाउंडेशन है, ये भी मैं सेल करती हूँ शॉप पे, तो ये मेरा फेवरेट है, बट ये मैं आने जाने पे लगाती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन ना रोज नहीं लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे को रोज थोड़ा बहुत मेकअप करने की नीड पड़ती है, तो मैं फाउंडेशन डेली अप्लाई करना मुझे सही नहीं लगता। तो मेरे पास कुछ इस तरीके, जैसे लैक्मे की सीसी क्रीम आती है, बीबी क्रीम आती है, ऐसी मेरे पास लाइक्यू ब्यूटी की, ये मेरी हॉट सेलिंग है और ये मेरी फेवरेट भी है। सो बहुत लाइट वेट है और SPF 15 के साथ है, ये मेरी फेवरेट है, आधी तो मैंने खत्म भी कर ली है। सो बहुत अच्छी है ये, बहुत कम लेनी है, ये भी बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ इन पर ही। ये मैं रोज लगाती हूँ गाइज, आप देख सकते हैं, और गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ फिंगर से क्यों लगा रही है, ब्रश से क्यों नहीं लगा रही,
क्योंकि ब्लेंडर का जो यूज होता है या फिर लाइक जो फाउंडेशन ब्रश का, वो मैं तब करती हूँ जब मुझे हेवी पार्टी मेकअप करना होता है। कैजुअल के लिए मैं, मुझे लगता है हाथ से काफी अच्छा स्प्रेड हो जाता है। सो मैं पहले कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। नेक को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, नेक को मतलब छोड़ना मत, नेक पे पूरा अच्छे से आपने लगाना है। बहुत अच्छा ग्लो देता है ये, बहुत अच्छा, ये क्रीम बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी गाइस। ओके, ये हो गया हमारा बीबी क्रीम डन। ठीक है जी, कंसीलिंग मैं करती नहीं हूँ क्योंकि डेली नहीं कर सकती हूँ, मुझे जल्दी शॉप पे रेडियो के जाना होता है। तो ये जस्ट एक नॉर्मल मेकअप मैंने आपको दिखाया है कि मैं क्या यूज करती हूँ जब मैं डेली शॉप पे जाती हूँ। तो प्लीज जज मत करना कि इसने कंसील नहीं करा, इसने ये नहीं करा, इसके दिख रहे हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल सा मेकअप मैं आपको करके दिखा रही हूँ जो जेन्युइनली मैं करके जाती हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिखा देती हूँ मैं आपको। गाइस मेरे पास ये पैलेट है, मैट की है, इसमें ग्लिटर कुछ भी नहीं है। अगर मुझे कुछ ग्लिटर में यूज करना होता तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या यूज करती हूँ ये। लेकिन मैट के ना शेड्स बहुत अच्छे हैं, ये सारे ही शेड्स मुझे बहुत पसंद है। और मैं इनको फिंगर से ही अप्लाई कर लेती हूँ। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा फेवरेट जो है वो कुछ इस तरीके का है, ये वाला न्यूट। ठीक है जी, ये मैं फिंगर से ही कर रही हूँ अभी। तो सो गाइज आप देख सकते हो इट्स डन। जो एक्स्ट्रा होता है वो आप थोड़ा सा क्लीन कर लो, बेटर है साइड्स का। ठीक है, सो ये बहुत लाइट सा मेरा जो है न्यूट आई मेकअप हो गया है, एज यू कैन सी। ठीक है जी, नेक्स्ट इज गाइज अगर मुझे पार्टी में यूज करना हो ना तो मैं इसके ऊपर ये लगा लेती हूँ। ये भी लाइकी ब्यूटी का बहुत अच्छा, मैं आपको हल्का सा दिखा देती हूँ। ये ग्लिटर आई शेडो है ये, मतलब आप देखोगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ गाइज, ये हल्का सा ही ना, अगर मैं इसको आईज के ऊपर लगा दू ना तो आप देख सकते हो, वाओ देखिए आप गाइस इतनी अच्छी हो जाती है इससे आईज का, देख सकते हैं आप कितना पिगमेंटेड है। तो लेकिन ये मैं डेली नहीं लगा सकती, ये पार्टी में ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको जस्ट आपको दिखा रही हूँ, जस्ट सिंपल ही लगाया है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है मेरा फेवरेट आई लाइनर है, ये भी हुडा कलर का है और बहुत अमेजिंग है, लॉन्ग लास्टिंग स्टे है। इसके लिए मुझे लग से मिरर चाहिए। ओके, सो गाइस मैं लगा रही हूँ, छोटा मिरर मैंने ले लिया है, आईलाइनर। ठीक है, ये मैं जरा छोटे इस पे देख के लगाऊंगी गाइस। देख सकते हैं गाइस आईलाइनर मेरा लग गया है। ठीक है, और इसके बाद माय फेवरेट मेरा मस्कारा, ये मालियो का है, सारे ही बहुत अच्छे मेरे पास जो भी शॉप है, मैक का, मालियो का, ये मेरा अभी करंटली फेवरेट है। नीचे वाली आईलैशेस पे भी जरूर लगाया करो गाइस। सो यस इट्स डन। ठीक है जी, मस्कारा मैंने लगा लिया है।
अब बारी आती है लास्ट मेरा फेवरेट मैक का काजल, जो कि मैं सेल भी कर रही हूँ अभी, और ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बट मैं बहुत ज्यादा नहीं लगाती हूँ, इसके लिए मुझे छोटा मिरर चाहिए होगा। गाइस आप ना कभी ना काजल ना आधा लगा के छोड़ो, जैसे आपको पूरा यहां तक नहीं लगाना, आधे पे लगाओ, बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हैं आप। काजल मेरा लग गया है, ठीक है जी। बहुत सिंपल सा मेकअप है गाइस, अगेन आई रिपीट, बहुत हेवी मेकअप मैं करती ही नहीं हूँ। मैंने आपके सामने सिंपल क्रीम लगाया और सिंपल मैंने जो है आईलाइनर मस्कारा लगाया है, और सिंपल सा मैंने मैट का हल्का सा हाथ से ही मैंने जो है आई शेडो लगा लिया अपने आईज पे, जो कि पता भी नहीं लग रहा होगा, बहुत लाइट है। एंड लास्ट वन इज कॉम्पैक्ट, इसको आप पहले भी लगा सकते हो, बट मैंने लगाया नहीं। आप इसको भी जो है उससे लगा सकते हो, सेट मतलब इसको आप सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट यूज होता है मेन। सो जो मैंने बीबी क्रीम लगाई थी उसको सेट करने के लिए बोल सकते हो आप, और ग्लो भी बहुत अच्छा आ जाता है। मैं इस वाले ये देखिए आप सीवीबी यूज कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा है। इसके भी टू शेड्स आते हैं इसमें, वन इज ग्लिटरी वन इज मैट, सो बहुत अच्छा है, ठीक है जी। नेक पे भी पूरा अच्छे से लगाएंगे, नहीं तो लग से ही विजिबल होगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है जी। ओके इट्स डन, ठीक है गाइस। ओके सो लास्ट जो हमारा स्टेप रहेगा, नहीं लास्ट तो नहीं है, बट वो है मेरा लाइक यू ब्यूटी का अगेन बहुत ही प्यारा सा ब्लशर, और इसको भी मैं फिंगर से ही लगाने वाली हूँ। मैं इसको ब्रश से नहीं लगाऊंगी, अगेन आई रिपीट मेरा बहुत सिंपल मेकअप रहता है, सो मैं इसको कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से लगाती हूँ, और इसको ऐसे हाथ से ऐसे कर देती हूँ। सो बहुत ही प्यारे लगते हैं, रेड रेड चीक्स लगते हैं हमारे, बहुत प्यारे से पिंकिश आप कह सकते हो, देख सकते हैं आप, ठीक है। बहुत लाइट सा लगाया मैंने, ओके। एंड इसके बाद हमारा आता है हाइलाइटर, वैसे मैं डेली नहीं लगाती हूँ, बट आपको बताती हूँ अगर आपको ऐसा लगाना है कि ज्यादा ये दिखे भी नहीं और बहुत ज्यादा ओवर भी ना लगे, तो मैं सिंपल सा ना इसको ऐसे हाथ से ये चीज लेती हूँ, ये देख सकते हैं आप, हल्का सा यहाँ लगा देती हूँ, बस यहाँ लगा देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है, That's it, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास चीज है वो है मेरी लिपस्टिक, ये भी हम सेल करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग स्टे है, बहुत ही अच्छी है लिपस्टिक भी गाइस। सो यस चलते हैं अब लिपस्टिक की तरफ, ठीक है जी। बहुत प्यारा शेड है गाइस, बिल्कुल लाइट लाइट, ठीक देख सकते हैं आप, और एक क्विक ड्राई है, बहुत फटाफट से ये ड्राई हो गई है, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग स्टे है। सो यस ये रही मेरी प्यारी सी लिपस्टिक। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरे मेकअप, मतलब मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप किया है, कुछ भी हेवी नहीं है, सिंपल सॉबर सा है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और कैसा लगा आपको मेरा मेकअप सिंपल सॉबर सा आप मुझे प्लीज बताना कमेंट करके। सो यस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और आप हमारे नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स में वीडियोस में क्या देखना चाहते हो, इस तरीके की वीडियोस क्या आप देखना पसंद करोगे नेक्स्ट टाइम, तो मैं कोशिश करूंगी बनाने की। सो यस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।